स्टूडेंट्स मैं सैयदा मोमिन नबू हाजिर हूँ आपके साथ ने एक न्यू वीडियो के साथ आज हम चैप्टर नंबर टू ग्रेड सिक्स जनरल साइंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम अपना चैप्टर नंबर टू जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो चैप्टर नंबर टू हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर सकें तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी बुक्स को ओपन कर लें बुक्स अपने सामने रख लें ताकि जो जो क्वेश्चन मैं रीड करूँ और जो जो आंसर मैं बताऊँ आप सब उनको मार्क कर लें तो आप पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे एम सी क्यूज पहले तो गिवन है हम उनको रीड आउट करेंगे तो, तो हमारा टू पॉइंट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन टू पॉइंट वन है एम सी क्यूज़ का हम पहले उसको सॉल्व करेंगे तो लेट्स रीड फर्स्ट इज पोल्यूशन इज ट्रांसफर ऑफ सीपल स्टेमन पोलग्रीन एंड ओवम एंड द आंसर इज सी हमारे जो पॉलिनेशन uh, में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है नेक्स्ट जाइगॉट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ पॉलीनेशन क्रॉस पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन एंड द आंसर इज अगेन सी जयगॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द थर्ड इज Uh, zygote develops into zygote develops into embryo embryo sac endosperm or ovule. So the answer is a. Next is asexual reproduction in which stem of a plant is buried in soil near the plant uh, near the parent plant is called the option D which is grafting next is the organ of a plant which takes part in sexual reproduction root stem leaf or flower as a concept of sexual reproduction may part leta hai. so the answer is d the flower the structure which is helpful to carry sperms to the ovary is called द ऑप्शन सी विच इज स्टाइल स्टिग्मा के ऊपर जब स्टिक होते हैं पोलन ग्रीन वहाँ पर एक ट्यूब करिएट होती है तो वो स्टाइल के थ्रू ओवरी के फ्लावर की ओवरी के अंदर जाती है तो ऑप्शन सी uh, जो कि स्टाइल वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज एम सी क्यूज नंबर सेवन विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरटेटिव प्रोपोगेशन रनर्स ग्रो इन टू अलांट बर्डिंग cutting grafting so the answer is answer option a runners the option 8 production of new plant from underground stem is an example of sexual reproduction asexual reproduction self pollination or cross pollination to, so the answer is option b asexual reproduction next is फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ टू पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म जायगॉड एम्ब्रिय ऑफ यूम और एंडोस्पम सो द आंसर इज ऑप्शन डी विच इज एंडोस्पम द लास्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज एक्स स्पम न्यूरोन और जयगॉड तो मेल जो एंथर जो होता है वो गैमट्स को रिलीज करता है और गैमट्स को हम क्या कहते हैं स्पर्म्स भी कहते हैं सो द ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर now we have done the, uh, we have done the mcqs now we are uh, we should move to the answers short answers difference between self reproduction and uh, sexual reproduction and asexual reproduction सेक्चर रिप्रोडक्शन क्या होती है और ये सेक्चर रिप्रोडक्शन क्या होती है इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं और आप चैप्टर में इनके आंसर्स को भी आप फिगर आउट फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपने इस क्वेश्चन में सेक्चुअल और ए रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस के बारे में लिखना है नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है क्रॉस पॉलिनीशन क्या होती है इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं आ, हम पढ़ चुके हैं तो आप इन चीज़ का भी इस चीज़ का भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है इस चीज़ का आंसर आपने इस क्वेश्चन में लिखना है इस चीज़ को डिफ्रेंशेट करना है वाट इज़ सा डिफरेंस बिटवीन साइन एंड स्टॉक साइन क्या होते हैं और स्टॉक क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टॉपिक uh, uh, में हम साइन और स्टॉक के बारे में पढ़ चुके हैं और आप वहाँ से इसका आंसर भी फिगर आउट कर सकते हैं नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल वट डिफरेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल ये आप लोग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में इसका आंसर देख सकते हैं अवेलेबल है वहाँ से आप कर सकते हैं नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग बर्डिंग और ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है ये दोनों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मैथड्स uh, हैं और आपने इन दोनों में डिफरेंस लिखना है तो ये भी आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टॉपिक में से आप इसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स नेम थ्री सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट आपने थ्री प्लांट्स के तीन कोई से भी ऐसे पौधों के बारे में लिखना है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो मैं आपको यहां पर लिखवा देती हूं द फर्स्ट इज ऑर्चिड द सेकेंड इज पीज एंड द थर्ड वन इज सन फ्लावर ये आपके तीन ऐसे पौधे हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट थ्री का फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं नेम थ्री क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट कोई ऐसे तीन पौधों के बारे में जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो फर्स्ट इज पंपकिन grapes और एप्पल ये तीन ऐसे पौधे हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही होती है नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज नेम द अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट अंडर गो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई आ, हमने ऐसे स्टेम्स के बारे में लिखना है जो कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं तो अगर आप इसका आंसर यहाँ तो हम लोग मार्क कर लेते हैं पेज नंबर ट्वेंटी फोर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के टॉपिक में अगर आप बल्ब देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको अनियन की एग्जांपल गिवेन है अनियन की ट्यूलिप की और डेफोडिल की आप इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में नेक्स्ट आप लिख देते हैं लिखते हैं वट आर लिखेंगे क्वेश्चन है व्हाट आर रनर्स रनर्स क्या होते हैं तो पेज नंबर ट्वेंटी फोर के एंड में आपको ये गिवन है इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस स्टेम्स आर स्प्रेड हॉरिजॉन्टली द ग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स द लास्ट इज नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्पल कार्पल के आप डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपने लिखना है तो अगर आप आ जाते हैं पेज नंबर ट्वेंटी पे अगर आप मूव करते हैं डायग्राम की तरफ तो आप कार्पल के ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टेगमा स्टाइल और ओवरी इन पार्ट्स के बारे में आपने लिखना है तो ये आपका आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन टू पॉइंट थ्री के फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया तो यहाँ तक आपकी जो होगी टू पॉइंट थ्री तक क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए बाकी जो रह चुके हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व आउट हो जाए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़